अगर आप पीआई ब्राउज़र यानी पाई ब्राउज़र मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और पाई ब्राउज़र काम नहीं कर रहा, ओपन नहीं हो रहा, या फिर ओपन होने के बाद कोई भी वेब पेज यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखा आता है, वेब पेज खुल नहीं रहा, लोड नहीं हो रहा, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करोगे पाई ब्राउज़र के अंदर, तो वीडियो को यहाँ पे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो काफ़ी सारे लोगों को बीच बीच में दिक्कत आ जाती है कि वेब पेज नॉट अवेलेबल लिखा आता है, वेबसाइट ओपन नहीं होती है इसके अंदर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन को बंद कर देना है, इंटरनेट आपको यहाँ से अपना बंद कर देना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है, आपको फ़ोन की सेटिंग खोलनी है और उसके बाद आपको ऐप्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ पे आपके फ़ोन के सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। जस्ट आपको यहाँ पे पाई नेटवर्क या फिर पाई ब्राउज़र जो आपका जिसमें दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको स्टोरेज और कैचे में आपको इसके चले जाना है और इसका क्लियर डाटा या फिर क्लियर स्टोरेज इसका कर देना है। इस प्रोसेस को बाद आप जो है बैक चले जाइए और देन इसकी परमिशन के ऊपर क्लिक करके सारी परमिशन को भी आप अलाउ कर दीजिएगा। मेन चीज़ आपको ये करनी है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन आपका चेक करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रॉब्लम नेट की वजह से आती है, इंटरनेट की इश्यू है। इसके लिए एक बार अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड या फिर फ्लाइट मोड, ऑफलाइन मोड जो ऑप्शन है उसको लगा दीजिएगा। कुछ टाइम के बाद इसे हटा देंगे हम और वापस से जो है इंटरनेट को ऑन करेंगे। जो भी वेबसाइट, जो भी पाई ब्राउज़र के अंदर चीज़ आपको खोलनी है वो यहाँ पे हम डालकर सर्च कर देंगे तो यहाँ पे ये खुल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करोगे। और ज़्यादातर कभी कभी क्या होता है कि पाई का जो कंपनी है वो कभी कभी जो है बीच बीच में टेक्निकल इरर आ जाते हैं उसके, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 1-2 घंटे में ही ये प्रॉब्लम आपकी फ़िक्स हो जाएगी।